वालेकुम नमस्ते सस्त्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है आलोक रंजन साहब का, एक्सपोजिंग पाक की प्रोपेगेंडा ऑन रावी वाटर स्टॉप्ड। कभी ये वाटर रुकने पे प्रोपेगेंडा हो जाता है, कभी वाटर छोड़ने पे प्रोपेगेंडा हो जाता है, होता क्या है? चलिए मिलके देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आलोक। तो भाई वादे के मुताबिक रावी का पानी रुकने पर वीडियो लेकर दूसरा वीडियो आ गया हूं। ये ओवरऑल जो वीडियो है ये सबका मिलाकर मैंने जो उसमें बेस्ट है वो निकाला है, और इस वीडियो को देखने में बहुत मज़ा आएगा। और इस वीडियो में सारे सबूत दूंगा, सब कुछ बताऊंगा कि चल क्या रहा है और क्यों पाकिस्तान इस पर प्रोपेगेंडा कर रहा है अपने टट्टुओं के द्वारा। बाकी तो पाकिस्तानी सरकार की तो कोई औकात है नहीं, कोई हिम्मत है नहीं, वो जानती है, उसको सच्चाई पता है। चलिए देखते हैं वीडियो। मैं तो कहता हूँ उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया, बंद कर दिया। उसकी वजह पानी, चलो पहला हम लोग तो रोटी से भूखे मर गए, तो रोटी खाएंगे तो पानी पियेंगे ना, रोटी नहीं खा रहे पानी कैसे पियेंगे। ये गवर्नमेंट ने हमारी रोटी भी छीन ली है, ठीक है, गवर्नमेंट ने हमारी रोटी छीन ली है। हम तो पहले बहुत खुशहाल थे, आज से 4-5 साल पहले, अब कोई मसला नहीं। भारत ने जो पानी रोका है क्या कहेंगे उसके बारे में, अब हम क्या करें? बात सुने, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने क्यों रोका है, ठीक है, हमारे मुल्क के काम अच्छे हुए हैं ना, अल्लाह की ये पानी रहमत है, ठीक है। उन्होंने पानी रोक दिया, ये हुकूमत के काम ही नहीं अच्छे। जब उनका कोई मसला डिमांड नहीं पूरी होगी, जब कोई मसला मसाइल है, या समझ लो भारत तो हमारा दुश्मन है, उन्होंने रोका है, बिल्कुल ठीक है। सही किया उन्होंने, उन्होंने बिल्कुल सही किया। क्या बात कर रहे हैं? ये हम मुसलमान है ना, इस काबल नहीं है। ये हमारा कहते थे कुरान पाक में लिखा हुआ है, जैसे अवाम वैसा हुक्मरान। अवाम भी चोर बन गई है, हुक्मरान भी चोर है। जो भी आ रहा है अपनी कुर्सी को देख रहा है, गरीब आदमी को नहीं देख रहा। अब हम क्या करेंगे? हमारे मुल्क के अंदर ना डैम्स है, पानी भी रोक लिया गया है, क्या कहते हैं आप? डैम जो चल रहे थे पीछे, डैम का पैसा इकट्ठा किया है उन्होंने, सारा खा गई हुकूमत। डैम बनेगा तो पानी आएगा ना, उन्होंने भारत ने बोला है इन्हों के पास डैम ही नहीं, पानी रोक लो। अच्छा। डैम ही नहीं बन रहे, जो भी पैसा आ रहा खाई जा रहे। पानी आता है घर में? पानी आता है, पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पानी आ रहा है। पानी आ रहा है कि सही आ रहा है? पानी सही आ रहा है। हमारे मुल्क में है ना अल्लाह की ये रहमत है, पानी नहीं बंद होगा। बारे तो बंद भी कर देगा ना, हमारे मुल्क में पानी की कमी नहीं होगी। कैसे लाएंगे पानी? पानी की कमी नहीं होगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ पंजाब वाला इलाका है? जाकर जरा पूछिए बलूचिस्तान वालों से पानी किस चिड़िया का नाम है, जाकर पूछिए उन बलोचों से जिनको 80% लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, गड्ढों से पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं और पानी पीने से बीमार पड़ते हैं, जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं, सैकड़ों मर जाते हैं गंदे पानी की वजह से, और आप कहते हैं कि ऊपर वाले की मेहरबानी है पानी की कमी नहीं होगी। दरअसल आप लोग अंदर से हैं क्या कहूं मैं, मक्कार। आपको लगता है कि बस लाहौर में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, पानी मिल रहा है, पूरे पाकिस्तान को मिल रहा है जी। वहां की चीजें लेकर ना आप लोग अपना पानी पी रहे हैं उनके कमाए पैसों से। खैर धीरे धीरे सब बात समझ में आ रही है, तभी तो मामला बढ़ रहा है ना। अल्लाह है ना हमारा। अच्छा। वो बारिशों से भर देगा हमारे डैम, बारिशों से भर देंगे हमारे डैम अल्लाह ताला। जो पानी रोक लिया गया उसके बारे में आप क्या कहती हैं? घटिया हरकत है, क्या कह सकते हैं? जब कुछ नहीं कर सकते तो यही काम करते हैं, उनके पास ऑप्शन ही यही बचते हैं। अब मतलब अच्छा काम तो हम उनके पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो कुछ अच्छा करेंगे। उन्होंने तो अपनी कंट्री के लिए स्टेप ले लिया है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के उन्होंने इरीगेशन के सिस्टम को बेहतर बनाना है,
सवाल तो हम पे उठता है कि हम हमेशा कहते हैं हम डिपेंडेंट है भारत पे पानी के लिए, हमने खुद क्या इंतजाम किया अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री पे क्या बोलेंगी? नहीं, आपको तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। अभी पिछले दिनों आपने इलेक्शंस का हाल देख लिया था, जिस कंट्री में इलेक्शंस ऐसे हो रहे हैं वहाँ पर ये जो पानी वाला मसला, ये खाक सिस्टम बनेगा। आप यहीं से अंदाजा लगा लें, हमें तो अपने पॉलिटिशियन से वैसे ही कोई वो नहीं है कि इन लोगों से कुछ भी नहीं होना। तो फिर गलती उनकी हुई या हमारी हुई, वो तो अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं ना। गलती हमारी भी, मैं तो बोल रही हूँ कि हमारे पॉलिटिशियन एक सीट पकड़ी हुई है, धक्के दे दे के एक दूसरे को वहाँ पर बैठ रहे हैं, आवाम मर रही है, भूख से मर रही है, कोई किसी को कोई भी वो नहीं है। सबको सिर्फ एक यही चीज़ पड़ी हुई है कि हम लोगों को सीट मिल जाए, हमें पावर मिल जाए, चाहे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं चाहे इंडिया के पॉलिटिशियन हैं। वो भी आधे आधे के आधे अब दोबारा से जो है इंडिया अभी जहरियत का मुजाहरा कर रहा है और हमारा जो है पानी रोक रहा है, जो कि एक इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। तो उन्होंने तो स्टेप उठाया है, तो हम पे सवाल आता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है इस बारे में। भाई साहब, सिर्फ आप नहीं, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं। पूरे पाकिस्तान में से एक बंदा अगर उठ के खड़ा होकर सबूत लाके दिखा देगा कि इंटरनेशनल रूल्स को वायलेट किया है भारत ने, आप जो कहेंगे वो मान लूंगा। रावी नदी पर बराज बनाकर या डैम बनाकर भारत ने किसी इंटरनेशनल रूल को तोड़ा है, आप साबित कर दीजिए सबूत में, तो मान जाऊंगा। दिक्कत यही है, पाकिस्तानी पढ़ते नहीं हैं। कौवा कान ले गया, मैक्सिमम पाकिस्तानी कौवे के पीछे भागेंगे, अपना कान चेक नहीं करेंगे एक बार कि ओहो कान है कि नहीं है हमारे पास। आप लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, और ये जो आप आके ये ब्लेजर श्लेजर पहन के और बड़ा हैंडसम हंक बन के जो आके इंटरव्यू दे रहे हैं ना, थोड़ा सा टाइम दे देते ना, अगर थोड़ा सा टाइम, फोन निकालते, गूगल पर सर्च करते इंडस वाटर ट्रीटी, 1960 में आप ही के देश कराची में भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी हुई। हमारी तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे पीएम, आपकी तरफ से अयूब खान थे डिक्टेटर, उन दोनों के साइन है उस ट्रीटी पर 1960 में। आज से 64 साल पहले, 64 years back, उस ट्रीटी में कहा क्या गया वो मैं आपको आगे बताऊंगा सबूत के तौर पर, कपड़े ढंग से फाड़ूंगा ना यार, ये जो पानी पानी लगा रखते हैं, आज पानी पानी कर दूंगा मैं, आज पानी पानी, चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक भी छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, याद रखना। ये जो बार बार पानी पानी करते हो ना, आता हूं अभी मैं, कि उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए, वर्ल्ड कोर्ट में जाना चाहिए, तो आगे वहाँ जाके अपना केस ये डिफेंड कर सकें। ये एक बेसिकली ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है कि एक रियासत को, रियासत के लोगों को पानी से महरूम किया जाना, उसकी काश्तकारी। देखिए पंजाब हमारा जो है उसका दुनिया का वर्ल्ड्स बेस्ट इरीगेशन सिस्टम है, अगर ये नहीं आएगा रावी में पानी नहीं आएगा तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे आबी जो काश्तकारी है वो रुक जाएगी। देखें अगर हम भी करेंगे, हमने भी कोई लड़ाई कर ली, पानी रोक लिया, ये वो कर दिया, तो उनमें और हमें फर्क ना रहा, अपने आप मसले जो है वो खुद वगैरह सॉल्व। मैडम किधर से पानी रोकेंगे किसका? ज्योग्राफी अब पता है, पाकिस्तान का नक्शा देखा है कभी और उसमें देखा है कि नदियां किधर से किधर को जाती हैं? मैडम पढ़ाई कर लेती तो आज ये हालत ना होती ना, मजाक ना उड़ता ना आपका। आप पानी रोकेंगी किसका? अपने ही लोगों का। नदी उल्टी नहीं बहती है मैडम, नदी का रुख उधर ही होता है, तो नदी आप उल्टा नहीं घुमा सकती कि पाकिस्तान से नदी भारत में चली जाए। नादान है मैडम करना, और उनकी तरह ना होने से हम एक हिसाब से अपने आप को बेहतर ही साबित कर रहे हैं कि उनकी तरह नहीं होना चाहिए हमें। देखिए उन्होंने, मेरे हिसाब से उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए सोचा है। अब वो जम्मू कश्मीर को और पंजाब को जो है वहाँ का को इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, डैम्स बने हुए ना उनके, हमारा कौन सा। निमरा मुझे लगता है कि आपको भी इंडस वाटर ट्रीटी पढ़नी चाहिए, आपने भी पढ़ी नहीं। अगर आपने पढ़ी होती, ये बात बिल्कुल आपने सही कही है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया भारत, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उसके जो लॉजिक दे रहे ना आप, क्यों वो अपने देश के लिए सोच रहे हैं, ये कर रहे होंगे, नहीं ये लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है
कि रावी पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। कैसे हक नहीं है सबूत दूंगा मैं, इसलिए कह रहा हूं इंडस वाटर ट्रीटी 1960, हर पाकिस्तानी जो भी पानी रोकने और पानी छोड़ने की बात करता है जाकर एक बार पढ़ लो भैया पहले, वरना हर जगह तो जाते ही ना, हर जगह तो फिर मुंह काला करते हो ना यार आप लोग, क्योंकि झूठी बात बोलोगे, प्रोपेगेंडा फैलाओगे, सबूत कुछ और कहते हैं। डैम बनाइए, बताएं। हमारा तो आजकल कोई डैम नहीं बना आज तक, हमने पैसे भी भर लिए, हमें तो आज तक कोई डैम ना मिला। पांच पांच रुपए सबने दिए थे, हमने भरे, हमें आज तक कुछ नहीं मिला, हमने सब कुछ करके देख लिया। मसला ये हमारी यहाँ की हुकूमत अपने मसलों में उलझी हुई है, उनको ये नहीं पता यहाँ का वजीर आजम किसने बनना है, इसकी यहाँ की हुकूमत किसको देनी है, हम क्या कह सकते हैं। अच्छी किया है इंडिया ने, अच्छा किया, अच्छा किया। वो कैसे? क्योंकि इंडिया हमारा, इंडिया दुश्मन मुल्क है हमारा, वो हम मानते हैं, वो अच्छी किया है। बस पाकिस्तान की वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान की बड़ों ने, बड़ा नहीं तो ये पाकिस्तान गुलाम है, तो पाकिस्तान गुलाम है। जी जी बिल्कुल गुलाम है। इंडिया कह रहा है पाकिस्तान को ये पानी जाता था दरियाए रावी का, ये ज़ाया हो जाता था, इसलिए हमने पानी को ज़ाया होने से बचाया है। पाकिस्तान वाले लायक नहीं ये पानी का, पाकिस्तान इस वाटर के लायक नहीं है, नहीं लायक नहीं, क्योंकि अभी 15-12 दिन हुआ है, अभी तक इलेक्शन हुआ है, अभी तक वज़ीर आज़म नहीं आए हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान गुलाम है, कभी इंडिया को बात मानते हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा को बात मानते हैं, ये पाकिस्तान है नहीं। बस पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में इमरान खान है वो अभी तक जेल में है, और नवाज शरीफ और जरदारी क्या है, बस वो पानी बंद किया है, वो बिल्कुल अच्छी किया है, मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं, क्या बात है, बहुत बहुत। अच्छा, और पाकिस्तान में कोई बात भी नहीं कर रहा, इतनी बड़ी बात हो गई। पाकिस्तान में है क्या, मस्जिद की बाथरूम के भी लोग पैसे लेते हैं, मस्जिद में बाथरूम करने के भी पैसे लेते हैं, पेशाब के लिए गए तो उधर भी पैसा लेते हैं, ये क्या पाकिस्तान है, ये क्या इधर क्या वज़ीर आज़म है, ये क्या पाकिस्तान की हाल है, बस छोड़ो। ये बात अगर देखा जाए तो हर हवाले से ठीक है, वजह के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जितने भी हमारे दरियाएँ, अगर वो दरियाए सिंध की बात की जाए या हमारे पास दरियाए जहलम की बात की जाए, उनके ऊपर प्रॉपर डैम नहीं बनाए गए। अच्छा, अगर हमारे पास डैम बनाने के लिए, वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कालाबाग डैम की मिसाल ले लीजिए, वो एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट था, अभी तक उस पे लड़ाइयां ही नहीं खत्म, उस पे लड़ाइयां खत्म नहीं करने दी जाती। अच्छा, क्योंकि अगर वो लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी तो जो लोग, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि वही सोसाइटियां बनाने वाले लोग, वही लोग जो उस ज़मीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पानी आए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोगों का फ़ायदा हो, वो हमेशा यही चाहते हैं हमारा फ़ायदा हो, हमारा बिजनेस आगे जाए। इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए किसी में कोई दर्द नहीं है, ख़ास तौर पे उन हुक्मरानों के दिल में, इस कौम के लिए, इसके किसानों के लिए। आप देख, इसका सबसे बड़ा नुकसान तो उन किसानों को होना है ना, हमारे, हमारा नहरी निज़ाम जिसे दुनिया का, रावी तुम्हारा दरिया है और इंडिया से होकर गुजरता है, कौन से कागज में लिखा है भाई कि रावी तुम्हारा दरिया और इंडिया से होकर गुजरता है? रावी भारत का दरिया है और वो पाकिस्तान से होकर भी जाता है, असली बात यह है। बेहतरीन नहरी निज़ाम कहा जाता है, लेकिन आज वो मफलूज है। जी मैम, बिल्कुल बंद कर दिया गया है, रावी जो है हमारा दरिया है और इंडिया से होकर गुजरता है, और इससे हमारे मुल्क की जितनी भी फसलें हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, और फिर ये इंडिया ने बहुत सारे डैम बना के हमारे मुल्क का पानी जो है वो जमा कर लिया है, इससे फिर हमारी फसलों पे भी नुकसान आता है, और आगे जितने भी लोग हैं उन पानी को जमा करके फिर एक साथ भेजा जाता है, इससे सैलाब का जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा महसूस हो रहा होता है। पानी का रुख जम्मू एंड कश्मीर की तरफ जो है कर दिया है, ताकि वहाँ के किसान इस पानी को इस्तेमाल करें, खेती बाड़ी करें, पैसा कमाएं। जब वो पानी पाकिस्तान में आता था तो हर पाकिस्तान ने उद्यम मचाया था, शोर मचा, बारे ने पानी छोड़ दिया, पानी उन्होंने कहा एलो भाई तड़ा मस्ता खत्म। मैम मसला तो खत्म हो गया, तो जरा पानी साढ़े इलाके लुटता है, सारे साढ़े लोगों भी नाल ले जाना, वह की बनेगा, तुसी साढ़े नहीं आएगा ना, उर्दू में बात करें, अब नहीं आएगा। मैम क्यों नहीं आएगा, आप लोअर पंजाब में जाकर देखें, हमारे तोंसा वाली डिस्ट्रिक्ट साइड पे जाकर देखें, जितना भी पानी आया है, हमारी हुकूमत जो है वो सारा साल जो है वो पुलें बनाती है, रोड बनाती है, लोगों को फसलों के लिए जो सारे रास्ते बनाकर देती है, और जब वो पानी आता है तो हमारी सारी जो है पुलों को तोड़ के चला जाता है, हमारे रोड टूट जाते हैं, हमारे जितने भी लोग होते हैं उनके घर बने होते हैं वो सारे बह जाते हैं। अब जो किसान बेचारा है जिसके पास जानवर हैं उनके लिए उस पूरा साल मेहनत करता है, और जितने भी फसलें, डैम बनाना है, भारत पाकिस्तान में आके डैम बनाएगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का काम
में डैम बनाना। मैम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर डैम बनाएगी, वो कोशिश कर रहे हैं कि डैम बनाए, लेकिन जब एक साथ पानी जो है जमा होकर आएगा तो जो कुछ उन्होंने बनाया। ये बिल्कुल गलत बात है कि रावी का पानी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। जी नहीं, बिल्कुल ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। नदी का पानी 100% नदी को रोका नहीं जा सकता। उतना पानी हम जमा कैसे करेंगे भाई, हमारा ही डैम टूट जाएगा। एक लिमिटेड पानी हम रोक सकते हैं, लेकिन हमें भी छोड़ना पड़ता है पानी। पानी तो उधर से बहता ही आ रहा है और यहां पे आपने बांध बना दिया, तो ऐसा थोड़ी ना कि परमानेंट बांध बन गया कि अब नदी का पानी आगे जाएगा ही नहीं। अरे भाई, तो ऊपर से जो पानी आ रहा है वो कब तक रोक पाएंगे हम? थोड़ा सा तो क्लियरिटी हो यार। होता है वो हर साल में रावी आकर बहा के ले जाता है, तो इससे हमारे मुल्क को तो नुकसान हो रहा है। रावी का पानी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया? नो मैम, हम अपने मुल्क के लिए जो है वो लड़ेंगे, ठीक है। ये पानी जो है बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, पानी आना चाहिए, लेकिन फिर कहते हैं पानी आ गया, वो बिलावल की बात, ज्यादा पानी आता है फिर ज्यादा से। नहीं मैम, ज्यादा पानी नहीं आना चाहिए, जो कानून है जिसके पानी को रोकना तो चाहिए। पाकिस्तान में पानी जाया हो रहा था, ये पानी पाकिस्तान के किसी काम नहीं आ रहा था, इसलिए हमने ये पानी का जो रुख है वो मोड़ दिया, जम्मू एंड कश्मीर को दिया। जी जी मैम, ये जो हमारे पाकिस्तानी लोग है वो किसी काम में खुश नहीं है। अभी इंडिया ने पानी बंद कर दिया तो अभी भी वो कह रहे हैं कि इंडिया ने पानी क्यों बंद कर दिया। जब पहले इंडिया पानी छोड़ता था तब भी कहते थे कि इंडिया ने पानी क्यों छोड़ दिया। तो बस ये हम अब इसमें क्या कह सकते हैं कि अब इंडिया ने वो पानी जम्मू कश्मीर की तरफ कर दिया है, तो अभी भी पाकिस्तान को इतराज़ है कि पाकिस्तान इंडिया ने इस तरह क्यों किया। देखिए, पानी बारिशें जब होती है, गर्मियों में ज़्यादातर पानी होता है और समटाइम गर्मियों में बारिश ना होने की वजह से पानी की कमी होती है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा कहता था भारत जो है ना हमसे दुश्मनी करता है, पानी छोड़ता है। मुझे लगता है ये बात भारत ने दिल पे ले ली है। पाकिस्तान बड़ा रंगबाज मुल्क है। पाकिस्तान जड़ा है ना, पाकिस्तान ऐसे ही बन गया, कायदे आजम ने बड़ी गलती कर दी थी पाकिस्तान को बनाकर। फर्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 19। ये बात बोली असली एक पाकिस्तानी ने, इतने टाइम बाद एक पाकिस्तानी मिला जिसने इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ी है। बाकी तो 99% लोग ऐसे ही, गारंटी दे रहा हूं मैं, किसी ने नहीं पढ़ी है। इस भाई को थोड़ा बहुत पता है, सही बात बोली है इसने एकदम, इसीलिए पाकिस्तान कुछ बोल नहीं रहा है। इसीलिए पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? तो जी 1960 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसमें जी 6 नदियां थी, रावी, सतलज, ब्यास, सिंध, झेलम और चेनाब। 6 नदियां थी, तो 3-3 नदियां बांट दी गई भारत और पाकिस्तान में बराबर। 3-3 नदियां रावी, सतलज और ब्यास पर भारत को कंट्रोल दिया गया कि 100% कंट्रोल आपका है, आपको जो करना है करिए। इंडस, झेलम मतलब सिंधु, सिंध नदी, झेलम और चेनाब पर पाकिस्तान को बुलाया गया, भैया ये आपके जिम्मे जाती है, ठीक है। अब ये जो रावी नदी है, आप जाहिर सी बात है कि रावी नदी पर हमारा कंट्रोल। तो 1995 में जो पीवी नरसिम्हा राव थे हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने फाउंडेशन डाला था, ये जो शाहपुर कांडी बराज प्रोजेक्ट है, जो ये डैम बना है उसको 1995 में। अब उस समय बड़ा बवाल हुआ जी, जम्मू एंड कश्मीर की सरकार और पंजाब की सरकार के बीच बवाल हो गया कि नहीं ये ऐसा कैसे होगा, हमें ज्यादा पानी चाहिए तो तुम्हें कम पानी मिलेगा तो ये मिलेगा, वही जाहिर सी बात है दोनों स्टेट लड़ पड़े। तो जी करीब करीब 4.5 साल या 5 साल तक ये प्रोजेक्ट बंद हो गया, लटक गया, कुछ हुआ ही नहीं उस पर। उसके बाद आपको याद होगा कि अभी नरेंद्र मोदी शायद 2016 में या कब किसी एक रैली में उन्होंने इसका जिक्र किया था और बोला था कि जी हम सतलज, ब्यास और रावी जो हमारे कंट्रोल में है ट्रीटी के तहत, हम उसके पानी का एक एक बूंद ढंग से यूटिलाइज करेंगे जिससे हमारे किसानों का फायदा हो, लोगों का फायदा हो। तो उन्होंने काम चालू करवाया और उसके बाद क्या हुआ कि अब जब ये बराज बन गया है, डैम बन गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पंजाब, जम्मू कश्मीर रीजन में करीब 1150 क्यूसेक पानी जो है जो पाकिस्तान को चला जाता था, अब वो इधर आएगा। और पाकिस्तान कोई यूज़ नहीं कर रहा था, जाहिर सी बात है कोई यूज़ नहीं कर रहा था। भाई आप डैम बनाओगे तब तो आप उस पानी को रोक पाओगे और तब उस पानी को इस्तेमाल कर पाओगे। अब यहाँ से पानी जा रहा है और पानी जाके वो फिर समंदर में जाके मिल जाता है, बीच में कहीं पाकिस्तान उसका यूज़ कर नहीं रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है और नदी पर भी हमारा।
तो अब जो ये पानी डाइवर्ट हुआ है उससे करीब पता है आपको 32,000 हेक्टेयर अब खेत में इस पानी से इरिगेशन हो सकती है। किसानों का कितना बड़ा फायदा होगा, इससे फायदा होगा यानी कि उपज बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में जो कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट है इसमें 32,000 जमीन को यह सींच सकता है पानी। आप सोचिए 32,000, और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन जो हमारी और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, समझे, ये है खेल। 60 के अंदर उसके तहत जो भाभी था उनके हिस्से में आ गया था वो, तो इसका मतलब है कि उस जो हमने मायदा किया उसके तहत उस पानी पर हमारा हक नहीं है, ठीक है, है? तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं उसका, लेकिन जो हमारे हिस्से के 3 दरिया है बेसिकली हमारे हिस्से में आता है, इंडस आता है, इसके अलावा एलम आता है, तो हमें उन पर काम करना चाहिए। और इसके अलावा हमें बहुत सारे इनोवेटिव मेथड जो अपनाने की है ज़रूरत, जो पानी हमारे 3 दरियाओं का जो हमारे हिस्से में आता है अगर उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज जब कर लेंगे तो चाहे वो पानी रोके या ना रोके कोई फर्क नहीं। आपने ये देखा होगा जो सैलाब आता है तो कितना पानी हमारा वेस्ट हो जाता है, उसकी मैनेजमेंट की जरूरत है, क्योंकि डैम्स नहीं है ना जी, डैम्स बेसिकली वही मैं बात करने वाला हूँ कि डैम्स नहीं है। इसके अलावा काफी इनोवेटिव मेथड है हमारे पास, जो बारिश का पानी होता है उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो भी हमें करने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था इंडिया से सिंध तास मुआहदे के तहत, वो कैसे वायलेट करते हैं सर ये भी तो बताइए, ये नहीं बताएंगे आप क्योंकि सुनी सुनाई बातें आपने कर ली, वायलेट कैसे करता है ये तो बताइए, और आपको लगता है कि वायलेट होता तो अब तक काम चल रहा होता। तो कई अरसे से ये वायलेशन करता है और हमने कभी फोर्सफुली रिप्रेजेंट ही नहीं किया, हमारे हुक्मरानों की कोई तरजीहात ही नहीं है। पहले तो हमने डैम नहीं बनाया, इंडिया ने इतने डैम बनाए हैं, चाइना ने बनाए हैं, सब ने बनाए हैं, दरख्त लगाए हैं, हमारी कोई सिंसियरिटी नहीं है अपने मुल्क के साथ, हमारे हुक्मरानों का कोई ऐसी एटीट्यूड नहीं है इनके डेवलपमेंट के लिए। जब हम अपने आपके लिए सिंसियर नहीं है तो हम कैसे कैसे आप मुतालबा किसी और से कहेंगे कि वो हमारी जो एग्रीमेंट किया उसके ऊपर फुलफिल करे। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया का एजेंडा शुरू से है कि पाकिस्तान को इन्होंने डिग्रेड करना है, एक बल्कि सिर्फ इंडिया नहीं एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है जो पूरे हमारे पाकिस्तान को डीवैल्यू डिग्रेड करने की कोशिश में है कि इसका सफाती से नाम मिट जाए, तो ये एक उसकी बुनियाद थी है और ये उस पर कारबंद है, अभी तक चल रही है बुनियाद जो है ना, ये बेसिस है बेसिकली, कुछ फैक्टर्स हैं जिस फैक्टर्स में से एक ये फैक्टर था कि उसको खुशहाली करके इसको ज़रई मुल्क को इसको मतलब इंडिया का मोहताज कर दिया जाए। इंडिया में देखें डैम बनाए उन्होंने, डैम बना बना के उन्होंने अपनी फसलें, अब टमाटर हमारे पास कहाँ से आ रहा है, दुबई से, यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ सकता, हम दुबई से आ जाता है आलू, वहाँ से दुबई से आके गंदम, मतलब जो बेसिक आपके अजनास है वो हमारी, हमें डबल ड्यूटी देना पड़ती है, यही आप बॉर्डर खोल दें तो हमें वो ड्यूटियाँ नहीं देनी पड़ेंगी, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा ना, उसमें सस्ती आपको चीज़ें अजनास मिलेंगी यहाँ पे, जो ज़रई अजनास हैं आपकी, जो बेसिक जो आपकी जो क्रॉप्स हैं वो आपकी डेड हुई जा रही है। सिंध आपका बंजर हो गया सारा, 80% सिंध की जमीन इस टाइम बंजर पड़ी हुई है, ठीक है, पंजाब भी ऐसा, उसका वो ये क्लू चलता आ रहा है कि पंजाब भी आपका एंड हो जाएगा जीरो। इंडिया तो किसी शुरू से किसी एजेंडे को, किसी मुआहदे को, किसी मतलब जो एग्रीमेंट्स को नहीं मान रहा, उसने कश्मीर पे बगैर बताए बगैर अपना उसने अपना तसल्लुत कायम किया, ठीक है ना, और हम कुछ नहीं कर सके, हम कुछ नहीं कर सके, हम बस ठीक है जी, इमरान खान, नवाज शरीफ, हम इमरान खान, उसने जनाब वो कश्मीर भेज दिया, ब्लेम गेम चल रही है यहाँ पे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना तो ये ऐसे चलेगा निज़ाम, ठीक है, क्योंकि अब ये कि इमरान खान ने जनाब कश्मीर भेज दिया, अब पीछे बैक एंड पे कौन काम कर रहा है, क्या एजेंडा है पाकिस्तान का, जब तक एजेंडा सेट नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट चली गई इंडिया में, हमारे पास नहीं है अभी तक, ठीक है, एप्पल चला गया, BMW चली गई है, यहाँ से बड़े बड़े ब्रांड से लेके सुजुकी की, मतलब हालांकि यहाँ पे प्रॉपर वो हो रही है, यहाँ पे मतलब असेंबलिंग होती थी। अच्छा पाकिस्तानी ये बोलने में जरा भी दिमाग नहीं लगाते, ऐसे बोलते ना जैसे माइक्रोसॉफ्ट पे उनके दादा का हक था, टेस्ला पे उनके बाप का हक है, ये हमारे यहां आनी चाहिए थी, कैसे भारत के यहां चली गई, एप्पल इनके दामाद का है, ऐसे बोलते हैं, वो जी आना तो हमारे ही पास है, पता नहीं उधर कैसे चला गया यार, बताओ यार, हक तो हमारा बनता है, अब चूंकि हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ पूरी दुनिया साजिश कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, हम क्या करें, हम जब तक ये सोच आपकी रहेगी भाई लोगों भला नहीं होगा, अरे निकलो बढ़ो, कब तक इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में फंसे रहोगे, कुछ करके दिखाओ। रही बात डैम की,
डैम आप नहीं बनाओगे, आपके यहां तो दिक्कत आपकी है, भारत की दिक्कत नहीं है। मैं इसको इसका एग्जांपल देता हूं, एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है हमारे ना असम की तरफ, वो चाइना से होकर आती है और चाइना ने उस पर बहुत बड़े बड़े डैम बनाए। हम ये नहीं रोते कि चाइना ने डैम क्यों बना ले, भाई उसका हक है, वो बना रहा है, बदले में हम भी डैम बना रहे हैं तो उसका फायदा ले रहे हैं। हम तो नहीं ये रोते बैठ के, नहीं देखो चीन ने पानी हमारा रोक लिया, देखो चीन ने पानी छोड़ दिया, देखो जी बाढ़ आ गई, नहीं करते भाई हम ऐसे, क्योंकि हमें रोना नहीं आता, हम इंटरनेशनल लॉ फॉलो करते हैं। हम सही बात को झूठा करार देने पर नहीं आते कि भारत तो शुरू से ही करता रहा। आप एक बार साबित कर दो कि भारत ने गड़बड़ की है, नहीं कर सकते साबित, वरना अब तक पाकिस्तान हमारा गला घोट चुका होता भाई साहब इंटरनेशनल कोर्ट्स में, सबूत ही नहीं रहते आपके पास। हमने कुछ गलत किया तब तो सबूत रहेंगे ना, इसलिए कहता हूं जाकर इंडस वाटर ट्रीटी ढंग से पढ़िए। और मैं आपको आपके ही पेपर का दिखाता हूं, जियो न्यूज आप ही का पेपर है ना, उसने इस खबर को छापा है। अब चूंकि आपके यहां अंग्रेजी कम समझ में आती है, आपकी सारी जो न्यूज वेबसाइट्स हैं वो अंग्रेजी में चलती हैं और उर्दू वाले अखबारों में ये बातें नहीं छपती हैं, तो जो अनपढ़ जनता है उसको पता नहीं चलता, उसको तो बस बोल दो हाँ भारत पानी ने रोक लिया, भारत ने, और भारत बड़ा जुल्मी है, भारत जुल्म कर रहा। किसी को नहीं पता कि भाई उसका पाकिस्तान से रावी नदी पर लेना देना कुछ है ही नहीं, रावी नदी पर हक भारत का है ट्रीटी के तहत। अब आप अपनी ही ट्रीटी को नहीं माने, आप अपनी आवाम को चूरन दें तो देते रहिए। इसीलिए आप लोग गलीज आदमी हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे आप लोग पाकिस्तान के भीतर तो ये बातें बोलते रहते हैं, लेकिन अब चूंकि इंटरनेट का जमाना आ गया है, अब आपकी बातों को फौरन इंटरनेशनल फोरम पर पटक दिया जाता है और आपका आपकी पोल खुल जाती है, आपकी कलाई खुल जाती है कि कितने झूठे लोग हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है, इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है। पढ़ोगे तब तो जाके जानकारी होगी ना, इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ो ना यार जाकर, 1960 तीन नदियां आपकी, तीन नदियां हमारी, उसके भी क्लॉजेस हैं, बहुत सारे क्लॉजेस हैं, आपकी तीन नदियों में भी हमारे थोड़े बहुत और क्लॉजेस हैं। तो अगर अयूब खान रेडी नहीं था तो उसने साइन क्यों किए फिर, अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ ट्रीटी बनाई गई तो साइन क्यों किया अयूब खान ने। आपने समझना ही नहीं। अब देखिए जियो न्यूज में क्या लिखा है, भाई जियो न्यूज को तो सबूत के तौर पर माना जाएगा, तो इसीलिए उसने सही बात लिखी है कि रावी नदी पर भारत का हक है, भारत उस पर कुछ भी करने को हक रखता है। वो जो तीन नदियां मैंने गिनाई उस पर जाकर डैम क्यों नहीं बनाते हो, बनाओ ना डैम जाकर, लेकिन तुम लोग को अपने बैंक बैलेंस और लंदन में फ्लैट और कोठी खरीदने से और जजीरे खरीदने से थोड़ा ही वो में है, लेकिन नहीं रोते रहो फिर। आप बताइए वीडियो कैसा लगा, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार जय हिंद। जी तो व्यूअर्स वीडियो हमने देखा, वीडियो था डीडी रिएक्ट का और रावी का पानी बंद कर दिया गया सुनने में आ रहा है, और जैसे इंडस वाटर ट्रीटी जिसका जिक्र कर रहे हैं आलोक सर, अगर इन सब चीजों पर जाए तो फिर पाकिस्तान के पास तो पानी बचते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी दरिया हैं वो सब उधर से आते हैं, कुछ को छोड़ के सारे के सारे भारत से ही आते हैं, चाहे हमारा बड़ा सबसे दरिया जो है वो सिंध है, वो भी सारे उधर से आते हैं, भारत से आता है, झेलम है, चनाब है या रावी है, सतलुज, सारे के सारे तो फिर वहां से ही आते हैं। फिर काहे की ये वाटर ट्री, काहे का ये इंडस वाटर का मुआहदा, और काहे का सिंध तास का मुआहदा, और काहे की ये सारी चीजें, क्योंकि सारा पानी तो आता है, फिर सब पे हक तो भारत का ही है, तो फिर पाकिस्तान का तो हक तो किसी चीज पे ना रहा। असल बात ये है कि आज जो पाकिस्तान है वो मुद्दों पे है ही नहीं, आज पाकिस्तान के अंदरूनी मामला इतने हैं कि बस उसी एक तमाशा, एक उसी डुगडुगी पे नाचने वाली औरत, और वो अपने आप को नुमाइश के तौर पर पेश कर दिया है, 7-8 कनीजें और खादमाएं आगे पीछे रहती हैं, एक दो उसके ड्रेसेस सेलेक्ट करती हैं, एक दो उसके जूते सेलेक्ट करेगी, एक दो उसके मेकअप के डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगी, एक दो आएंगी वो कहेंगी कि मैडम आपने आज ये शगुफा छोड़ना है, और पीछे रह जाएगा उसके बाबा जानी, वो कहते हैं इतने बूढ़े हो चुके हैं, वो कुछ दिनों के बाद निकल जाएंगे अपना बुढ़िया बिस्तर समेट के, अपने घर वापस लंदन पहुंच जाएंगे। तो ये मुल्क बना काहे के लिए था,
ये जब आप लोगों ने लंदन और ऐसी जगहों पे रहना था, ये मुल्क किसके लिए बना था? ये इन लोगों के। अब लुटते रहे, मरते रहे, चीखते रहे, चिंगारते रहे। वो एक बंदे ने बिल्कुल सही कहा कि भाई बेड़ा गर्क है, यहाँ पे तो मस्जिद के वॉशरूम में जाने के भी पैसे लेते हैं। कैसा पाकिस्तान है? और मैं तो इस सब चीजों से, इस निजाम से उतार चुका हूँ। उन्होंने किया है तो अच्छे किया है, क्योंकि इस काबिल ही नहीं है। तो क्या चाहिए और क्या नहीं, और ये हकीकत है। हमारे पंजाब के अलावा कहीं किसी इलाके में भी पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। कराची जैसे बड़े शहर में लोग टैंकर्स खरीदते हैं और जैसे जिंदगी वो जीते हैं, सुनकर ही शर्म आती है कि लोग वैसे वहां रहते कैसे हैं। यार जो थर का देख लें आप सिंध में, थर का इलाका, सारे इलाके देख लें आप, जनूबी पंजाब में ही चले जाएं, वहां पे पानी नहीं है। लोग पता नहीं किस तरह से अपना सर्वाइवल करते हैं, और हम यहाँ पे बैठे कहते हैं कि हमारे पास बारिशों से डैम भर जाएंगे। डैम है कौन सा हमारे पास जो भर जाएगा? ये जो डैम है वो भी रेत से भर चुके हैं। और चीज ये देखें कि ये जो सिंध तास मुआहिदा, ये इंडस्ट्रीटी है, इसमें ये हुआ तीन दरिया जो है वो इंडिया के पास है, और तीन दरिया जो है वो पाकिस्तान के पास है। तो उनके ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान उनको पानी को इस्तेमाल कर सकता है, डैम बना के उसको जो स्टोर कर सकता है। लेकिन हमने सवाई अयूब खान के दौर में जो डैम बनाए, उसके बाद जो है ना अभी जो एक दो डैम मुशर्रफ ने शुरू किए थे, तो उसके ऊपर हमने काम नहीं किया। डैम के ऊपर हमने पैसा इकट्ठा किया, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा है। तो हमने वो उसके ऊपर भी अभी काम रुका हुआ है, ठीक है, चोरी नहीं हुआ, पड़ा हुआ अभी। हाँ जी, वो पड़ा हुआ है सर, आप जाके चेक कर सकते हो। इस वक्त भी आप अगर ऑनलाइन सारा कुछ पड़ा हुआ है, और सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में होती हैं वो पड़ी हुई हैं। तो चीज यही है कि इन चीजों को आपने जब इस्तेमाल ही नहीं करना सारा कुछ इसके ऊपर, हर चीज के ऊपर। देखिए ये डैमों के ऊपर तो खास करके सियासत हो रही है ना पाकिस्तान में, और हम कहते हैं जी इंडिया ने पानी रोक लिया और इंडिया ने ऐसा कर दिया। तो भाई जब आपने कुछ डैम बनाया ही नहीं, आपका दुनिया का देखें जी बेहतरीन नहरी निजाम है जी, बनाया किसने जी? अंग्रेज ने। हमने उसको तबाह किया, हमने उससे आगे कोई भी निजाम को आगे बेहतर करने की कोशिश नहीं की। और देखें जी इंडिया, देखें जी हमारा दुश्मन मुल्क है जी, वो ये है जी तो वो है जी। लेकिन देखिए जैसे भी है, उसको आप दुश्मन समझे, हमसाया समझे, दोस्त समझे, जो भी समझना है समझे, लेकिन जो मुआहदे आपने किए हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये मुआहदे हमने किए हैं, कि रावी जो है ना वो सतलुज और ब्यास जो है ये हमने इंडिया को दिया हुआ है। तो सतलुज और ब्यास वो तो सिरे से खत्म हो जाता है, और रावी में तब वो पानी आता है जब वहां पे बारिशें ज्यादा होती हैं, उनके पास पानी अपनी स्टोरेज से ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो पानी इधर आता है, तो उस पर भी सैलाब आ जाता है। तो चीजें यही है कि जब आपका हक ही नहीं है जिन दरियाओं के ऊपर, उनके ऊपर बात करना भी आपको नहीं चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी आपने डैम नहीं बनाए इंडिया ने, तो फिर भी आपके जो है ना डैम जो है ना चनाब के ऊपर भी बनाए हुए हैं, जेलम के ऊपर भी बनाए हैं, सिंध के ऊपर भी बनाए हैं, बगलियार डैम है और बहुत सारे डैम हैं, उन्होंने तो सैकड़ों डैम बना दिए हैं, आपने कोई एक डैम भी नहीं बनाया। और उनके पास ये अथेंटिक बात है कि भाई ये पानी जाया हो रहा है, हमें तो इसको सेव कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास काबिलियत हो तो आप अपने डैम बनाएं, डैम बना के वहां पे उसको स्टोरेज करें, तो फिर आप क्लेम भी कर सकते हो, नहीं जी हमारे इन तीन दरियाओं के ऊपर जो डैम है वो आप अपने खाली करें, हम अपने डैम बना लिए, हम स्टोर कर लेंगे। लेकिन जब आपने करना ही, आप देखें जब बारिश आती है तो सारे का सारा सिंध बलोचिस्तान जो है ना वो बह जाता है, ठीक है, हमारा जनूबी पंजाब जो है वो भी बह जाता है। लेकिन जब वो सर्दियों में आता है तो फिर खुशखुशाली आ जाती है। तो ये कौन सी है हमारी हिकमत अमली है? तो ये हमारी नाहलियां, हमारी कोताहियां हैं कि हमने इस तरफ तवज्जो दी ही नहीं। तो अगर देखिए ये सारी चीजें, देखिए चाइना ने दुनिया का इतना बड़ा डैम बना दिया है कि जमीन को हिला के रख दिया, उसकी ग्रेविटी में फर्क पड़ गया, इतना बड़ा उन्होंने डैम बना दिया है। तो आपने जो एक छोटा सा डैम भी नहीं बनाया तो फिर उसके ऊपर आप दूसरों को कहे जी बिल्कुल ये है तो वो है, तो इस तरह तवज्जो ही नहीं है हमारी कि हमने आगे आवाम के लिए या हमने अपनी फसलों के लिए, हमने किसानों के लिए आगे बढ़ाना है, या हमारा ज़रई मुल्क है, आज हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो अब पहले एक्सपोर्ट करते थे अब इम्पोर्ट कर रहे हैं। किस वजह से? इसी वजह से कि पानी की कमी हो रही है, आज कपास नहीं बीजी जा रही, आज गन्ना उस हिसाब से नहीं बीजा जा रहा। तो यही सारी चीजें हैं, हमारी अपनी कोताहियां हैं, और हमें आता है धड़ल्ले से कि हम अपनी कोताही का जो मलबा है दूसरों पर डालने में हम एक्सपर्ट हैं। तो इन चीजों से हमें जो है ना वो देखना चाहिए। बिल्कुल जी ऐसा ही है, हम एज ए कौम ही शिकार है जाहिलियत का, और कुछ भी हमारे पल्ले नहीं। और बात करें कि हाँ इंडिया ने ऐसा कर दिया, इंडिया ने बहुत अच्छा किया।
मैं हर एक उस बंदे को, उस लीडर को सलूट करता हूं जो अपने देश का सोचता है, जिसको ये नहीं कि फलस्तीन मर रहा है, जिसको ये नहीं कि कश्मीर मर रहा है, जिसको ये नहीं कि दुनिया के फलाने कोने में उसके पेट में दर्द है, वो मैंने ठीक करने जाना है, मुझे यहां बैठे हुए और उस पर मैं आंसू भी बहाने लगूं अपने घर में, जो ये नहीं जानेगा ये हो रहा है उसके ऊपर आंखें बंद कर ले। और ये तो वही बात है ना कि अपने घर में अपने बहन भाइयों को छोड़ के मोहल्ले और दूसरों की और यही हमें और हमारी शरीयत भी यही सिखाती है कि सबसे पहले अपने और अपने घर को और उसके बाद अपने रिश्तेदारों को और फिर दूसरों को देखो, अपने पड़ोसियों और फिर रिश्तेदारों को देखो और उनकी हेल्प करो। लेकिन हम अपनी हेल्प करने की काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम फलस्तीनियों का दुख और दर्द जरूर मनाएंगे, तो फिर इस कौम का यही हाल है और ऐसा ही चलना। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।